नमस्कार दोस्तों, नमो वस्तु YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, ये तीन बातें अपनी पत्नी से कभी नहीं बतानी चाहिए, और अगर कोई भी व्यक्ति भूलकर भी इन बातों को अपनी पत्नी से बता देता है तो उसके परिवार का सर्वनाश हो सकता है। मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा में अपने सिंहासन पर विराजमान थे, तभी अचानक से आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंच जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपको मेरा प्रणाम है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, लगता है कि आज आप हमारे पास अपने किसी प्रश्न के उत्तर जानने की अभिलाषा से यूं अचानक ही प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे माधव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है और आपको मेरे मन की सारी बातें भी मेरे बताने से पहले ही पता चल गई होंगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, हम आपके मन की व्यथा को अच्छी तरह से जानते हैं, आप निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में आज यह प्रश्न उठ रहा है कि वे कौन सी तीन बातें हैं जिन्हें भूलकर भी किसी स्त्री को नहीं बताना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज अपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, किंतु मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं, लेकिन आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस ज्ञान का विस्तार पूरे देवलोक में करूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, किसी नगर में एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था और वह दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन वह किसान बहुत ही गरीब था और गरीब होने की वजह से वह किसान बहुत परेशान रहता था। वह कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी अपने परिवार के लिए उपयुक्त भोजन तक कमा नहीं पाता था, जिससे अब वह किसान बहुत ही दुखी रहने लगा था। उसे पता नहीं चल पा रहा था कि उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जिसकी वजह से उसे गरीब से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन वह किसान अपने किसी कार्य के लिए कहीं जा रहा था, तब उसने देखा कि कई स्त्री और पुरुषों का समूह उसकी ओर चला आ रहा है और वे सभी किसी बात को लेकर बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। तब जैसे ही वे सभी स्त्री और पुरुष उस किसान के पास से गुजरने लगते हैं, यह दृश्य देखकर वह किसान आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि ये सभी स्त्री और पुरुषों का समूह इतना प्रसन्न होकर कहां जा रहा है। वह किसान अभी इतना सोच ही रहा था कि तभी उसने अपनी ओर आते हुए एक युवक से पूछा कि इतने सारे स्त्री और पुरुष कहां जा रहे हैं और ये सभी इतने प्रसन्न क्यों हैं। तब वह व्यक्ति उस किसान से कहता है कि भाई, ये सभी स्त्री और पुरुष एक तपस्वी महात्मा जी के पास जा रहे हैं। सुना है वे सभी मनुष्यों के जीवन में घटित सभी घटनाओं को अपनी दिव्य दृष्टि में देख लेते हैं और उन सभी की समस्याओं का निवारण भी बताते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। फिर उस किसान ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी समस्याओं का निवारण पाने के लिए उन महात्मा जी के पास चलूं। थोड़ी देर बाद वह किसान भी उन सभी के पीछे पीछे चलने लगा और कुछ दूर चलने के बाद वह किसान उन महात्मा जी के पास पहुंच जाता है, तो वह देखता है कि वे महात्मा जी एक स्थान पर आसन लगाकर बैठे हुए हैं और उनके पास बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं। फिर वे महात्मा जी एक एक करके उन व्यक्तियों की समस्याओं का निवारण कर देते हैं और जब उस किसान की बारी आती है तो वह किसान उन महात्मा जी को प्रणाम करता है। तब वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो। फिर वह किसान उन महात्मा जी से कहता है कि हे विप्र, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मैं गरीबी से छुटकारा नहीं पा रहा हूं, बल्कि धीरे धीरे मैं और भी ज्यादा गरीब होता चला रहा हूं। उस किसान की बात सुनकर
वे महात्मा जी अपनी दिव्य दृष्टि से उस किसान के जीवन में घटित सभी घटनाओं को देख लेते हैं और वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, मुझे अच्छी तरह से पता चल चुका है कि तुम कठिन परिश्रम करने के बाद भी अपने परिवार का पालन पोषण ठीक तरह से क्यों नहीं कर पा रहे हो। तब उस किसान ने उत्सुकता से पूछा कि हे गुरुदेव, आपको क्या पता लगा है, आप मुझे विस्तार से बताएं। फिर वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, तुम अपनी पत्नी को अपनी सभी बातें बता देते थे, हालांकि तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा हुआ था, लेकिन अपनी पत्नी को ये तीन बातें बताने की वजह से तुम अभी तक गरीब ही हो। उन महात्मा जी की बात को सुनकर वह किसान महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि वे कौन सी तीन बातें हैं जिन्हें अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तब वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुमको तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुमको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं, लेकिन तुमको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। उन महात्मा जी की बात सुनकर वह किसान कहता है कि हे गुरुदेव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं कि हे पुत्र, किसी समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगर था। उस नगर में राजा विक्रमजीत नाम के राजा राज करते थे। वे धीर वीर, कर्मनिष्ठ और बहुत ही प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने प्रताप से कई युद्ध जीते हुए थे और वे एक प्रतापी राजा होने के साथ ही साथ बहुत दयालु थे। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान मानते थे, इसलिए वे अपनी प्रजा में कुछ न कुछ दान किया करते थे, जिससे उनकी प्रजा भी उनसे प्रसन्न रहती थी और वे कई बार अपना भेष बदलकर नगर का हाल चाल जानने के लिए निकलते थे और प्रजा का हाल चाल निकालने के बाद वे अपनी प्रजा की सभी समस्याओं का निवारण करते थे। राजा विक्रमजीत सिंह यह अच्छी तरह से जानते थे कि अच्छा राजा वही है जो अपनी प्रजा के सुख दुख में काम आए। राजा विक्रमजीत सिंह का विवाह एक अत्यंत सुंदर स्त्री से हुआ था। वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, उनकी पत्नी भी उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और उनके राजमहल में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध थीं। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजा विक्रमजीत सिंह को घुड़सवारी करने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने कई सारे घोड़े पाल रखे थे और महारानी की सेवा सत्कार करने के लिए कई सारे दास दासियों को काम पर रखा हुआ था, इसलिए उनके जीवन में कोई दुख नहीं था। ऐसे ही राजा और रानी के विवाह को कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है, जिस कारण से राजा विक्रमजीत सिंह और उनकी पत्नी दोनों बहुत ही चिंतित रहने लगे थे। उन्होंने महारानी को पता नहीं उस नगर के कितने वेद हकीमों को दिखा दिया था, लेकिन कोई भी यह पता नहीं लगा पा रहा था कि उन्हें संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, जिसको लेकर वे और भी ज्यादा परेशान रहते थे। एक दिन राजा विक्रमजीत अपने रथ पर सवार होकर उस नगर का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो वे पूरे नगर का भ्रमण कर लेते हैं। लेकिन जब राजा विक्रमजीत एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचते हैं, तब उस ब्राह्मण की पत्नी घर में झाड़ू लगा रही थी। फिर जब उस ब्राह्मण की पत्नी की नजर राजा विक्रमजीत पर पड़ती है, तो वह ब्राह्मण की पत्नी उनको देखकर जल्दी से अपने घर में चली जाती है। यह अनोखा दृश्य देखकर राजा विक्रमजीत सिंह बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर वे अपने राजमहल चले जाते हैं और राजमहल पहुंचकर उस ब्राह्मण की पत्नी के इस बर्ताव के बारे में सोचने लगते हैं। वे इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, इसलिए उन्हें रात भर नींद तक नहीं आती है। वे रात भर यह सोचते रहे कि उस ब्राह्मण की पत्नी ने उनको देखकर ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों किया। उनके मन में रात भर कई विचार उठते रहते हैं। फिर सुबह उठते ही वो अपने सैनिकों से कहते हैं कि जाओ और उस ब्राह्मण की पत्नी को बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ। राजा विक्रमजीत की आज्ञा सुनकर वे सैनिक उस ब्राह्मण के घर की ओर चले जाते हैं और उस ब्राह्मण के घर के पास पहुंचकर वे सैनिक उस ब्राह्मण के घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। दरवाजा खटखटाने के कुछ देर बाद वह ब्राह्मण की पत्नी घर से बाहर निकलती है और उन सैनिकों से कहती हैं कि आप सभी मेरे घर पर यूं अचानक से किस लिए आए हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। तब वे सैनिक कहते हैं
कि तुमको राजा साहब ने बंदी बनाकर लेकर आने के लिए कहा है। इतना कहकर वे सैनिक उस ब्राह्मण की पत्नी को बंदी बनाकर अपने साथ राजा विक्रमजीत के राजमहल में उनके पास पहुंच जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, राजा विक्रमजीत के पास पहुंचने के बाद वह ब्राह्मण की पत्नी उनसे कहती हैं कि हे राजन, आपने मुझे बिना किसी वजह के बंदी बनाकर अपने पास क्यों बुलाया है। तब राजा विक्रमजीत उस ब्राह्मण की पत्नी से कहते हैं कि कल मैं जब नगर का भ्रमण कर रहा था तब किसी ने भी मुझे देखकर कोई भी बर्ताव नहीं किया था, लेकिन जब मैं तुम्हारे घर के पास पहुंचा तब मुझे देखकर अपने घर के अंदर क्यों चली गई थी। राजा विक्रमजीत की बात सुनकर वह ब्राह्मण की पत्नी कहती हैं कि हे राजन, आपके पास सब कुछ है और आप बहुत दयालु भी हैं, लेकिन आप निसंतान हैं, इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति सुबह सुबह आपकी शक्ल देख ले तब उसका तो पूरा दिन ही बर्बाद हो जाता है। उस ब्राह्मण की पत्नी की बात को सुनकर राजा विक्रमजीत अपने मन में सोचने लगते हैं कि यह स्त्री तो सत्य ही कह रही है, मुझे अभी तक किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसा सोचकर वे बहुत ही दुखी हो जाते हैं और उस ब्राह्मण की पत्नी को आजाद कर देते हैं। फिर वे अपने मन में यह ठान लेते हैं कि मुझे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, इसका पता मैं लगाकर ही रहूंगा और मैं बहुत सारे जप तप और धार्मिक अनुष्ठान करूंगा जिससे मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर वे प्रतिदिन जप तप करता है, कई अनुष्ठान भी करवाता है, लेकिन उसे यह सब करने के बावजूद भी इसका कोई लाभ नहीं मिलता है और राजा विक्रमजीत और उनकी पत्नी दोनों ही बूढ़े होते चले जा रहे थे, लेकिन उन्हें अभी किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए राजा और रानी दोनों बहुत परेशान रहने लगे थे। एक दिन राजा विक्रमजीत और उनकी पत्नी यह सोच सोचकर बहुत व्याकुल हो रहे थे कि अब हमारे राज्य का क्या होगा, हमारे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, हमारे राज्य को कौन संभालेगा और कौन हमारी प्रजा की जिम्मेदारी लेगा। वे रात दिन इसके बारे में सोचते सोच रहते थे। अब राजा और रानी इस बारे में इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि वे दोनों खाना पानी तक सब कुछ छोड़ देते हैं और अगर कोई भी दास या दासी उनको थोड़ा सा भोजन या पानी पीने के लिए कहते थे तो राजा और रानी उन्हें बिल्कुल इनकार कर देते थे और उनसे कहते थे कि अगर हमारा कोई उत्तराधिकारी ही नहीं बचेगा तो इतने सुख की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर वे दोनों रोने लगते थे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, वे दोनों अन्न का एक दाना तक अपने मुख में नहीं ले जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, एक दिन फिर राजा विक्रमजीत अपने रथ पर सवार होकर नगर का भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। तब वे नगर का भ्रमण करते करते किसी वन का भ्रमण करने लगते हैं। फिर अचानक से उनकी नजर एक तपस्वी साधु पर पड़ती है तो वे देखते हैं कि वे साधु अपनी कुटिया के सामने ध्यान साधना में लीन हैं, जिन्हें देखकर राजा विक्रमजीत अपने रथ से उतरकर उस साधु के पास पहुंच जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस साधु की आंखें खुलने का इंतजार करने लगते हैं। उसके कुछ ही देर बाद वह साधु अपनी आंखें खोलते हैं और वे देखते हैं कि स्वर्ण से सुसज्जित एक अत्यंत प्रतापी राजा उनके सामने अपने हाथों को जोड़कर खड़ा हुआ है। तब वह साधु राजा विक्रमजीत से कहता है कि हे राजन, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, इसकी क्या वजह है, आप मुझे बताने का कष्ट करें। फिर राजा विक्रमजीत कहते हैं, हे विप्र, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब कुछ पहले से ही पता होता है, आपको मेरी भी दुविधा का भान है। तब वह साधु राजा विक्रमजीत की दशा देखकर उनसे कहता है कि हे राजन, मुझे आपकी सभी समस्याओं का भान पहले से ही है और मेरे पास आपकी इस दुविधा का निवारण भी है। फिर वह साधु कुटिया के अंदर जाता है और कुटिया के अंदर से थोड़ी सी खीर लाकर राजा विक्रमजीत को दे देता है और उनसे कहता है कि वैसे तो आपके भाग्य में संतान का योग नहीं है, लेकिन आपकी इस दशा को देखकर मैं जो यह खीर दे रहा हूं इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। किंतु आप मेरी एक बात और सुन लो, आपको संतान में पुत्र की प्राप्ति तो होगी लेकिन वह सिर्फ 20 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा, उसके आगे वह इस पृथ्वी लोक पर जीवित नहीं रह पाएगा। वह साधु आगे कहता है कि मैं आपको इससे ज्यादा और क्या ही दे सकता हूं, इससे ज्यादा मेरे लिए संभव नहीं है।
इतना कहकर वह साधु अपनी आंखें बंद करके फिर से ध्यान साधना में लग जाता है। यह सुनने के बाद राजा विक्रमजीत सोचने लगते हैं कि 20 वर्ष काफी हैं। उतने समय में उसको अपनी तरह धीर वीर योद्धा बनाऊंगा, उसकी बड़े जी जान से सेवा करूंगा, उसे बहुत प्रेम और दुलार करूंगा और उसकी सभी इच्छाओं को पलक झपकते ही पूरा कर दूंगा, जिससे मेरे मन की मरी हुई इतने वर्षों की इच्छा जीवित हो जाएगी। इतना सोचकर राजा विक्रमजीत फिर से अपने रथ पर सवार होकर अपने राजमहल पहुंच जाते हैं और रानी को उस साधु द्वारा बताए गए सभी बातों का वृतांत सुना देते हैं, जिसको सुनकर रानी बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाती हैं। फिर राजा विक्रमजीत रानी को उस साधु द्वारा दी हुई खीर दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रिय, उस साधु ने तुमको यह खीर खाने के लिए दी है। राजा विक्रमजीत की बात सुनकर रानी कहने लगी कि हे नाथ, हम दोनों ने पता नहीं कितने दान धर्म किए हैं, कई वर्षों तक अनुष्ठान किए हैं, लेकिन हमें कोई भी फल नहीं मिला है और अब आप कह रहे हैं कि इस खीर को खाने से हमें संतान की प्राप्ति होगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, रानी की बात सुनकर राजा विक्रमजीत रानी से कहते हैं कि हे प्रिय, जब हम दोनों इतना सब कुछ कर चुके हैं और सह लिया है तो अब इस उपाय को भी करके देख लेते हैं, क्या पता हो सकता है इस उपाय को करने के बाद भगवान हमारी सुन ही ले और हमसे प्रसन्न होकर भगवान हमें पुत्र प्रदान कर ही दें और हम दोनों उस साधु के क्रोध को बुलावा क्यों दें। यदि हम उनकी बात को नहीं मानेंगे तो वे साधु हमसे क्रोधित हो जाएंगे और क्रोध में आकर वे हम दोनों को श्राप भी दे सकते हैं। वैसे तो रानी को अब किसी पर भी ज्यादा विश्वास नहीं था और उन्हें राजा विक्रमजीत की बातों में भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन रानी ने सोचा कि मेरे पति संतान न होने के कारण बहुत ही दुखी हैं, इसलिए मैं यह खीर खा ही लेती हूं। अगर मेरे भाग्य में मां बनने का सुख होगा तो मुझे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना सोचकर रानी उस खीर को खाने के लिए राजी हो जाती है। फिर एक दिन राजा विक्रमजीत की रानी स्नान आदि कार्यों को करके भगवान शिव और अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए उस साधु द्वारा दी हुई खीर को खा लेती है। उसके बाद राजा विक्रमजीत और रानी निश्चिंत होकर सो जाते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद रानी गर्भवती हो जाती है। रानी को गर्भवती देखकर राजा विक्रमजीत बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और रानी से कहते हैं कि देखो, भगवान ने हमें संतान का सुख दे दिया है। तब रानी कहती हैं कि हे नाथ, आप सच कह रहे थे, उस तपस्वी साधु के द्वारा भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस पड़ी है। फिर राजा विक्रमजीत और उनकी रानी दोनों ही बहुत खुशियां मनाते हैं, पूरे नगर में मिष्ठान आदि वितरित करते हैं और राजा विक्रमजीत रानी की सेवा करने के लिए और भी कई सारी दासियों को रखते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कई नए सैनिकों को नियुक्त करते हैं और रानी की जरूरत की सभी वस्तुओं को महल में उनके कहने से पहले ही उपलब्ध करवा देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब महारानी को गर्भधारण किए हुए 9 महीने हो जाते हैं, तब महारानी को अचानक से एक दिन बहुत ही तीव्र पीड़ा होती है। उस दिन महारानी उस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन किसी तरह से वे उस पीड़ा को सहन कर लेती हैं और फिर महारानी एक बहुत ही सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। महारानी का वह पुत्र बहुत ही तेजवान था, उसके मुखमंडल पर वह तेज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और उसे देखकर कोई भी उस पर मुग्ध हो सकता था। राजा विक्रमजीत अपने पुत्र को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजा विक्रमजीत ने बड़े धूमधाम से अपने पुत्र का नामकरण करवाया और नामकरण संस्कार के लिए एक मंदिर में विशाल प्रीतिभोज रखवाया। पूरी रात प्रीतिभोज का भंडारा चला और उत्सव मनाया गया। राजा विक्रमजीत ने अपने पुत्र का नाम जितेंद्र प्रताप रखा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, राजा विक्रमजीत ने अपने पुत्र जितेंद्र प्रताप की कुंडली देखने के लिए उस नगर के सबसे विद्वान पंडित को बुला रखा था, लेकिन जब उस पंडित ने राजा विक्रमजीत के उस पुत्र की कुंडली देखी, तब वह पंडित राजा विक्रमजीत के उस पुत्र जितेंद्र प्रताप की कुंडली देखकर बहुत ही चिंतित हो गया और राजा विक्रमजीत और रानी से कहने लगता है कि हे राजन, आपका जो यह पुत्र है,
यह सिर्फ 20 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर राजा विक्रमजीत और रानी को उस साधु की बात याद आ गई, जिससे वे दोनों उस पंडित की बात सुनकर बिल्कुल शांत हो जाते हैं। किंतु इसके बारे में ज्यादा न सोचकर राजा विक्रमजीत और रानी बड़े प्रेम से अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं और अपने पुत्र की सभी जरूरत की चीजों को उसके कुछ भी बताने से पहले लाकर रख देते हैं। वे अपने पुत्र की हर जिद को पलक झपकते ही पूरी कर देते थे। हालांकि थोड़े से ही समय के लिए सही भगवान ने उनकी मनोकामना तो पूरी कर दी थी। राजा विक्रमजीत और रानी इसे अपना भाग्य मानते थे। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं और अब जितेंद्र प्रताप धीरे धीरे समय के साथ साथ किशोर से बाल्यावस्था अवस्था की ओर जा रहा था। जब जितेंद्र प्रताप 14 वर्ष का हो जाता है तो राजा विक्रमजीत अपने पुत्र जितेंद्र प्रताप की शिक्षा दीक्षा, अस्त्र शस्त्र की विद्या, घुड़सवारी आदि का ज्ञान देने के लिए एक अच्छे गुरु को नियुक्त कर देते हैं। फिर जितेंद्र प्रताप के गुरुदेव उसे अच्छी तरह से शिक्षा दीक्षा देते हैं, उसे उसके सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर देते हैं। अपने प्रश्नों के सटीक उत्तर पाकर जितेंद्र प्रताप भी अपने गुरुदेव के द्वारा दी गई शिक्षा को ध्यान से ग्रहण करता है। उसके बाद जितेंद्र प्रताप के गुरुदेव उसे अस्त्र शस्त्र की विद्या और घुड़सवारी में निपुण होने की शिक्षा देते हैं। धीरे धीरे वह सभी प्रकार की शिक्षाओं में पूरी तरह से निपुण हो जाता है और जब वह किशोरावस्था से निकलकर युवावस्था की ओर अग्रसर हो जाता है और उसकी उम्र 18 वर्ष की हो जाती है, तब राजा विक्रमजीत उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर सी राजकुमारी से कर देते हैं। उन दोनों के विवाह को 2 वर्ष बीत जाते हैं और जितेंद्र प्रताप 20 वर्ष का हो जाता है। तब वह अपने पिता से कहता है कि पिताश्री, मैं अपने नगर का भ्रमण करना चाहता हूं। मैं राजमहल से बाहर कभी गया ही नहीं हूं। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा विक्रमजीत बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पुत्र जितेंद्र प्रताप का 20वां वर्ष शुरू हो गया था और अब उन्हें इस बात का यह डर था उनके पुत्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। वे अपने पुत्र को महल से बाहर निकलने से रोक भी नहीं सकते थे और अपने पुत्र को उस साधु द्वारा बताई गई सभी बातों को बता भी सकते थे। वे बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने अपने हृदय को कठोर करते हुए अपने मुखमंडल पर प्रसन्नता जताते हुए अपने पुत्र से कहते हैं कि हां जरूर पुत्र, तुम्हें अपने नगर का भ्रमण करने का पूरा अधिकार है और तुम्हें अपने पूरे नगर का भ्रमण करके सब कुछ देखना आवश्यक है। कहां क्या है यह सब जानना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें ही इस नगर का राजा बनना है। लेकिन पुत्र, तुम सिर्फ मेरी एक बात का ध्यान रखना कि तुम कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना। पिता की बात सुनकर उसका पुत्र उनसे कहता है कि ठीक है पिताश्री, मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगा। एक दिन जितेंद्र प्रताप अपनी पत्नी से दिन भर हंसी भरी कई बातें करता है, उत्सव मनाता है और जैसे ही रात के 12 बजते हैं वैसे ही जितेंद्र प्रताप अपने बिस्तर से उठकर महल के बाहर चला जाता है। फिर सुबह होने से पहले अपने महल में वापस पहुंच जाता है और आते ही अपने बिस्तर पर लेट जाता था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और कई दिनों तक यह सब चलता रहा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं कि हे पुत्र, अब राजा का पुत्र जितेंद्र प्रताप का 20वां वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष बचे हुए थे। एक दिन की बात है, जब जितेंद्र प्रताप 12 बजते ही महल से बाहर निकल जाता है तब कुछ देर के बाद जितेंद्र प्रताप की पत्नी की नींद अचानक से खुल जाती है तो उसकी पत्नी देखती है कि जितेंद्र प्रताप अपने बिस्तर पर नहीं है। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है और अपने पति को पूरे महल में ढूंढती है, लेकिन उसका पति उसे महल में कहीं पर भी नजर नहीं आता है। तब वह अपने पति के न मिलने की वजह से और भी ज्यादा चिंतित हो जाती है। किंतु वह अपने पति के न मिलने की बात किससे करती, क्योंकि राजा विक्रमजीत और रानी दोनों गहरी निद्रा में सोए हुए थे, इसलिए वह किससे कहती, क्या करती, यह सब सोचकर चुपचाप से अपने बिस्तर पर लेट जाती है। फिर सुबह से पहले ही जितेंद्र प्रताप की पत्नी देखती है कि उसका पति अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है, किंतु
वह अपने पति से इसके बारे में कोई भी बात नहीं पूछती हैं। और दूसरी रात भी वैसा ही होता है और कई दिनों तक ऐसा ही होता है। जितेंद्र प्रताप की पत्नी अपने पति के इस व्यवहार को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित रहती थी और अब वह बहुत उदास रहने लगी थी। जितेंद्र की पत्नी के मन में ये प्रश्न उठते रहते थे कि उसका पति रात को कहां जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, क्या मेरा पति किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने के लिए इतनी रात को महल से बाहर निकलता है। इसी तरह के कई प्रश्न उसके मन में उठते रहते थे, किंतु वह जितेंद्र प्रताप से पूछने में बहुत डरती थी। वह अपने पति के सामने ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाती थी और यह सोचते हुए अपने पति से नहीं पूछती थी कि अगर मेरे पूछने पर उन्हें गुस्सा आ जाएगा और कहीं क्रोध में आकर वे कुछ कर बैठते हैं तो अपने सास ससुर को क्या जवाब दूंगी, और अगर मैं इस बारे में अपने सास ससुर से पूछती हूं तो उनके कुल की मर्यादा बीच में आ जाती है, इसलिए मैं इस बात को अपने सास ससुर से क्यों पूछूं। इस तरह से वह मन ही मन अपने आप को कोसती रहती थी और अब उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, क्योंकि उसने कई दिनों से खाना पानी सब कुछ छोड़ रखा था, जिस वजह से वह एकदम दुबली पतली हो बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन रानी परेशान बैठी थी, तभी उनके पास उनकी एक दासी आ जाती है और उनसे कहती हैं कि हे रानी साहिबा, मैं आपको कई दिनों से देख रही हूं, आप किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हैं और आपने कई दिनों से खाना पानी भी छोड़ दिया है, जिस कारण से आप बहुत ही दुबली पतली हो गई हैं। कृपया आप मुझे अपनी परेशानी को बताएं, क्या पता मेरे पास ही आपकी परेशानी का हल हो, और एक स्त्री ही दूसरी स्त्री के काम आती है, उसके दुखों को समझ सकती है। उस दासी की बात सुनकर रानी उसकी बात से बहुत प्रभावित होती हैं और फिर रानी उस दासी से कहती हैं, बहन मैं क्या बताऊं, राजा साहब दिन में तो सही से रहते हैं, सभी के साथ हंसी मजाक किया करते हैं, किंतु रात्रि होते ही जब राजमहल में सभी गहरी निद्रा में सोए होते हैं तब राजा साहब अपने बिस्तर से उठकर ठीक 12 बजे राजमहल से बाहर निकल जाते हैं, और आश्चर्य की बात तो यह है कि वे सुबह होने से पहले से अपने बिस्तर पर आकर लेट जाते हैं और वे पता नहीं कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, वे अपनी किसी प्रेमिका से मिलते हैं। यह सब सोचकर मैं दिन रात बहुत चिंतित रहती हूं और इस कारण से मैंने खाना पानी सब कुछ छोड़ दिया है और इसीलिए मेरी यह दशा हुई है, मैं इस कारण से ही इतनी दुबली पतली हो गई हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, रानी की बात सुनकर वह दासी रानी से कहती हैं कि रानी साहिबा, आज आप रात में नहीं सोना और राजा साहब के पीछे पीछे चलकर उन्हें देखना कि वे इतनी रात को कहां जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, उन पर ठीक तरह से निगरानी रखना। तब रानी उस दासी से कहती हैं कि बहन, अगर मुझे नींद आ गई तो मैं क्या करूंगी। फिर वह दासी रानी से कहती हैं कि हे रानी साहिबा, नींद न आने के लिए आप एक उपाय कर सकती हैं, नींद न आने के लिए आप अपने बाएं हाथ की उंगली में एक छोटा सा घाव बना लेना और घाव को थोड़ी देर बनाए रखने के लिए आपको उस उंगली पर थोड़ी सी लाल मिर्च छिड़क लेना, जिससे आपकी उस उंगली में बहुत ज्यादा जलन पैदा हो जाएगी और आप उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाओगी, फिर आपकी उंगली में जलन पैदा होने के कारण आपको रात भर नींद नहीं आएगी। तब रानी अपनी उस दासी के कहे अनुसार अपनी बाएं हाथ की उंगली में एक छोटा सा घाव बना लेती है और उस उंगली में थोड़ा सा लाल मिर्च भी छिड़क देती है, जिससे उसको रात भर नींद नहीं आती है। लेकिन जब रात के 12 बजने वाले ही होते हैं कि रानी साहिबा को नींद आ जाती है और वे गहरी निद्रा में सो जाती हैं, किंतु जब सुबह उनकी नींद खुलती है तो वह दासी रानी के लिए थोड़ा सा भोजन लेकर आती है और रानी के कान के पास पहुंचकर बहुत ही धीमी आवाज में कहती है कि क्या हुआ रानी साहिबा, क्या आप देख पाई कि राजा साहब इतनी रात में कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं। तब रानी निराश होते हुए उस दासी से कहती हैं कि बहन, जिस समय मैंने अपने बाएं हाथ की उंगली में घाव बनाया था और उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च छिड़क दिया था, उसके बाद मुझे बहुत जलन हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ समय तक नींद नहीं आई, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ की उंगली की जलन कुछ देर बाद शांत हुई तब उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई, जिससे मुझे यह पता ही नहीं चल पाया कि राजा साहब कब अपने बिस्तर से उठकर कब महल से बाहर निकल गए, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। रानी की बात सुनकर
उसकी दासी कहने लगती है कि रानी साहिबा, कोई बात नहीं, आज आप फिर से अपने बाएं हाथ की उंगली में थोड़ा सा घाव बना लेना और उसके बाद उस उंगली में ज्यादा मात्रा में लाल मिर्च छिड़क लेना। तब रानी सब कुछ वैसा ही करती है, लेकिन वह केवल अपने पति को बिस्तर से उठकर महल से बाहर निकलने के समय उनकी नींद खुल जाती है, किंतु वे अपने पति के पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उस समय उनकी आंखें बंद हो गई थीं और उन्हें गहरी नींद आ चुकी थी। दूसरे दिन जब वह दासी रानी से फिर से राजा विक्रमजीत के रात में महल से बाहर निकलने का रहस्य पूछने लगती है, तो रानी बहुत जोर जोर से विलाप करने लगती हैं और विलाप करते हुए ही अपनी उस दासी से कहने लगती हैं कि बहन, आज भी मैं उनकी पहरेदारी ठीक प्रकार से नहीं कर पाई हूं। इतना कहकर रानी फिर से विलाप करने लगती है। फिर उसकी वह दासी रानी से कहती हैं, रानी साहिबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप यूं विलाप न करें, आपको विलाप करना शोभा नहीं देता है। और आगे कहती हैं कि रानी साहिबा, आज रात आप अपने बाएं हाथ की उंगली में और भी बड़ा घाव कर लेना और उस उंगली पर पहले से ज्यादा लाल मिर्च के साथ नमक भी छिड़क लेना, जिससे आपको रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, किंतु आपको ऐसा करने पर बहुत पीड़ा सहन करनी होगी। तब रानी कहती हैं कि मैं इस बात का पता लगाने के लिए कैसी भी पीड़ा सहन कर सकती हूं, मुझे सिर्फ इस बात का पता लगाना है कि राजा साहब इतनी रात को कहां जाते हैं और किससे मिलते हैं। रानी की बात सुनकर वह दासी कहती हैं कि ठीक है, लेकिन रानी साहिबा, आपको एक और काम करना होगा, जब राजा साहब अपने बिस्तर से उठकर महल से बाहर निकलने लगे तो आपको उनका रास्ता रोककर उनके सामने खड़ी हो जाना है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, रानी उस दासी द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुनती है और रात्रि होते ही वह एक बार फिर से अपने बाएं हाथ की उंगली में पहले से और भी बड़ा घाव कर लेती है और उंगली पर पहले से थोड़ा ज्यादा लाल मिर्च और नमक छिड़क लेती है, जिससे उन्हें पहले से और भी ज्यादा जलन होने लगती है और अब जलन के कारण उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। फिर जैसे ही रात के 12 बजते हैं तब वे देखती हैं कि उनका पति अपने बिस्तर से उठकर महल से निकलने जा रहा है, तो वे उस दासी के बताए अनुसार जल्दी से अपने बिस्तर से उठकर राजा साहब को रोककर उनके सामने खड़ी हो जाती हैं और राजा साहब से कहती हैं कि आप इतनी रात को इस तरह से कहां जा रहे हैं और आप किससे मिलने जा रहे हैं, आप मुझे सब कुछ बताएं, बिना आप इस महल से बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं। रानी बहुत जिद करने लगती है कि आखिर मुझे भी आपके बारे में सब कुछ जानने का पूरा हक है। रानी को इस प्रकार से जिद में देखकर जितेंद्र प्रताप अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं और रानी से कहते हैं कि हे प्रिय, देखो, अगर मैंने तुमको यह पूरी बात बता दी तो मैं तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। तब रानी अपने पति से कहती हैं कि कोई बात नहीं है, आप मुझे मिल पाए या नहीं, लेकिन आप मुझे यह पहले बताने का कष्ट करें कि आप रात के समय महल से बाहर कहां जाते हैं, क्या करते हैं और किससे मिलते हैं। जितेंद्र प्रताप अपनी पत्नी की जिद के सामने बिल्कुल असहाय हो गया था और अब पत्नी के आगे उसकी एक बात भी नहीं चल रही थी। ठीक उसी समय जितेंद्र प्रताप का 20वां वर्ष शुरू होने वाला था। तब वह कुछ सोचने लगता है और अपने हाथों में कुछ चावल लेकर उन चावलों को अभिमंत्रित करने के बाद अपनी पत्नी को देते हुए कहता है कि देखो, तुम इस चावलों के दानों को अपनी दोनों मुट्ठी में पकड़ लो और मेरे कहने के अनुसार दाएं हाथ में पकड़े हुए चावल के दानों को मेरे ऊपर फेंक देना, जिससे तुम्हें यह पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, और फिर बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल के दानों को मेरे ऊपर फेंक देना, जिससे मैं पहले जैसा हूं वैसा ही तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन इतना याद रखना कि अगर तुम बाएं में पकड़े हुए चावल के दानों को मेरे ऊपर फेंकना भूल जाती हो तब मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। तब रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने दाएं हाथ में पकड़े चावल के दानों को जितेंद्र प्रताप के ऊपर फेंक देती हैं। फिर रानी जैसे ही दाएं हाथ में पकड़े हुए चावल के दानों को अपने पति के ऊपर फेंक देती है तो जितेंद्र प्रताप एक घोड़े में परिवर्तित हो जाता है और उस घोड़े की लंबी गर्दन, उसके लंबे लंबे बालों को देखकर रानी बहुत ही डर जाती है। फिर वह बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। रानी अपने पति पर बाएं हाथ के चावल के दानों को फेंकना भूल जाती है और उनकी आंखों के सामने वह घोड़े के रूप में परिवर्तित राजा विक्रमजीत का पुत्र हिन हिनाते महल से बाहर निकल जाता है
और दोबारा वापस नहीं आता है। अब रानी को बहुत पश्चाताप हो रहा था और वह स्वयं को कोसने लगी थी, लेकिन अब स्वयं को कोसने पर बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि जितेंद्र प्रताप अब वापस नहीं आने वाला था। और जब सवेरा होता है तो यह पूरी बात महाराजा और महारानी को पता चलती है, तो इस बात को सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है। वे दोनों अपने पुत्र के दुख में बिस्तर पकड़ लेते हैं और बेशब्री से अपने पुत्र के लौट कर आने की राह देखने लगते हैं कि उनका पुत्र एक दिन वापस अवश्य आएगा। इसके बारे में वे प्रतिदिन सोचते रहते थे। इसी तरह से 2 वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक जितेंद्र प्रताप के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं प्राप्त हुई थी। जितेंद्र प्रताप को ढूंढने के लिए राजा विक्रमजीत उस नगर के घरों घरों में अपने सैनिकों को भेजते हैं, लेकिन उन्हें उससे भी कोई सफलता हासिल नहीं होती है। इधर रानी अपने मन में सोचती रही कि मेरी ही जिद के कारण मेरा पति गायब हो गया है। यह सोच सोचकर वह प्रतिदिन बहुत विलाप करती, अपने आप को कोसती रहती थी। रानी एक दिन प्रण लेती है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को किसी भी तरह से उसे ढूंढकर घर वापस अवश्य ले आऊंगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, एक दिन वह सुबह उठकर अपने सास ससुर के पास पहुंच जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मेरे ही पाप कर्मों की वजह से मेरा पति मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर चला गया है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं अपने पति को किसी भी कीमत पर खोज कर अवश्य लाऊंगी, और अब मैं अपने पति को खोजने जा रही हूं। आप मुझे अपने पति को ढूंढकर महल वापस लाने की अनुमति प्रदान करें। महाराजा विक्रमजीत और महारानी को और क्या चाहिए था, उनको अपना पुत्र मिलने वाला था, इसलिए वे अपनी बहू को जितेंद्र प्रताप को ढूंढने की अनुमति प्रदान कर देते हैं और अपनी बहू से कहते हैं कि पुत्री, तुम चाहे जो कुछ भी करो, जहां जाना हो वहां जाओ, लेकिन तुम हमारे पुत्र को वापस लेकर आओ। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर तुम्हें इस कार्य में सफलता प्रदान करें। फिर उसके बाद वह रानी अपना भेष बदलकर सुंदर वस्त्र धारण कर लेती है। वह बिल्कुल किसी व्यापारी की पत्नी लग रही थी और अपने साथ कुछ दास और दासियों को लेकर, अपने साथ थोड़ा सा सामान लेकर किसी दूसरे नगर में पहुंच जाती है और उस नगर में पहुंचकर एक बड़ा सा भोजनालय खोल लेती है और उस नगर में आने जाने वाले सभी यात्रियों को मुफ्त में भोजन खिलाने लगती है। लेकिन उन्होंने एक अनोखी शर्त रखी कि उसे जितेंद्र प्रताप के बारे में कोई बात बतानी होगी, या कोई अनोखी बात जो उसने पहले कभी ना सुनी हो। फिर उस नगर के सभी नागरिक उस भेष बदले हुए रानी से कहते हैं कि मैंने इसे देखा है, यहां देखा है, वहां देखा है। यह कहकर वे सभी उस भोजनालय से मुफ्त में भोजन खाकर जाते थे, किंतु अभी तक रानी को जितेंद्र प्रताप के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। राजमहल में काम करने वाली दासी एक पुत्र और उसका पति रहा करते थे। एक दिन रानी की वह दासी अपने पुत्र को भोजन न करा के अपने पुत्र को अकेला ही छोड़कर राजमहल पहुंच जाती है। और इधर जब उस दासी का पति काम से घर लौटा तो उसने देखा कि उसका पुत्र घर पर अकेला है और जोर जोर से विलाप कर रहा है, तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ। इतने में ही रानी की वह दासी वो भी घर में पहुंच जाती है और जब रानी की उस दासी का पति उस दासी से कहता है कि पुत्र को घर पर अकेला छोड़कर तुम कहां गई थी, तब वह दासी कहती है कि हे नाथ, मैं तो राजमहल ही गई हुई थी और राजमहल में गहरे संकट के बादल छाए हुए हैं। रानी की उस दासी की बात सुनकर उस दासी का पति उससे कहता है कि चाहे जो हो, लेकिन तुम दोबारा से बच्चे को यदि अकेला छोड़कर कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तब रानी की वह दासी अपने पति से कहती है, हे नाथ, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन वह यह बात भूल जाती है और अपने पुत्र को रोता हुआ छोड़कर ही राजमहल पहुंच जाती है, क्योंकि राजा विक्रमजीत ने उसे अपनी सेवा करने के लिए नियुक्त कर दिया था। लेकिन शाम होते ही जब रानी की उस दासी का पति घर पहुंचता है तो आज फिर अपने पुत्र को अकेला और रोता हुआ देखकर अब रानी की उस दासी के पति की सहन करने की क्षमता समाप्त हो गई थी और रानी के उस दासी के घर पर आ जाने पर उसका पति उसे घर से निकाल देता है। वह अपने पति से घर का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलता है। अब वह दासी रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और जब रात में थोड़ा सा उजाला होता है
तो वह किसी तरह राजमहल की तरफ जाने लगी। वह राजमहल जाने के सभी रास्ते जानती थी, लेकिन उजाले में भी अब वह राजमहल जाने का रास्ता भूल ही गई थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस रास्ते से होते हुए राजमहल जाना है। किसी तरह से वह रानी की वह दासी धीरे धीरे से आगे चल रही थी। तभी अचानक से उसे एक गाय के गले में बंधी हुई घुंघरू के छन छन की आवाज सुनाई देती है। वह उसके सामने चलने लगती है। तब रानी की उस दासी ने सोचा कि मैं इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो राजमहल में अवश्य ही पहुंच जाऊंगी। इतना सोचकर वह दासी उस गाय के पीछे पीछे चलने लगती है। धीरे धीरे वह गाय उस नगर के पास पहुंच जाती है और एक बड़े से पत्थर के सामने जाकर रुक जाती है। फिर वह गाय जैसे ही अपने दोनों सींगों से उस पत्थर को ठोकर मारती है और उस पत्थर को उस स्थान से हटा देती है तो पाताल लोक जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई देने लगती हैं। जब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है तो रानी की वह दासी जल्दी से उस गाय की पूंछ पकड़ लेती है और उस गाय की पूंछ पकड़कर रानी की वह दासी उसके साथ साथ पाताल लोक में पहुंच जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, पाताल लोक में पहुंचने पर रानी की उस दासी ने उस गाय की पूंछ छोड़ दी और जैसे ही उसने अपने चारों तरफ देखा तो वह यह सब देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि पाताल लोक में सभी स्थानों पर दीप जल रहे थे जिससे उस स्थान के चारों तरफ बहुत तेज रोशनी दिखाई दे रही थी। और जब वह तेज रोशनी उस गाय पर पड़ती है तो उस समय वहां पर कई अनोखी घटनाएं घटती हैं और गाय के गले में रस्सी बंध जाती है और कोई उस गाय के थनों से दूध निकालने लगता है। लेकिन यह सब कुछ जो कोई कर रहा था वह उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह सारा दृश्य देखकर रानी की वह दासी बहुत ही डर जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि मैं यहां कहां आकर फंस गई हूं। फिर वह दासी वहां छिपने के लिए जगह ढूंढने लगती है, लेकिन उसे छिपने के लिए वहां पर कहीं भी जगह नहीं मिलती है क्योंकि उस जगह पर हर तरफ उजाला था। फिर वह दासी एक कोने में जाकर छिपकर खड़ी हो जाती है। उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था वह उसे चुपचाप देख रही थी। कुछ देर बाद उस जगह पर एक काला घोड़ा आता है और वहां पर एक कुंड बना हुआ था। वह घोड़ा उस कुंड में छलांग लगाकर ऊपर आ जाता है और जितेंद्र प्रताप का रूप धारण कर लेता है। जितेंद्र प्रताप के रूप को रूप धारण करने के बाद उसने वहां रखे हुए नए नए वस्त्र पहने और उस जगह पर पड़े हुए एक सुंदर से पलंग पर आकर बैठ जाता है। फिर उसके सामने कई सारे पकवानों की थालियां आ जाती हैं। उसके सामने एक कबूतर बैठा हुआ था। जितेंद्र प्रताप ने उन सभी पकवानों को खाया और अपने बिस्तर पर लेटने से पहले भगवान सूर्य को स्मरण किया और अपने सामने बैठे हुए उस कबूतर से पूछने लगा कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, मेरा राज्य कौन चला रहा है और मेरी पत्नी क्या करती है। फिर कबूतर कहने लगा कि हे राजन, आपके माता पिता पुत्र के शोक में डूबे हुए हैं और आपके राज्य को आपका महामंत्री चला रहा है। आपकी पत्नी ने दूसरे नगर में एक बड़ा सा भोजनालय खोल रखा है और वह उस नगर में आने जाने वाले सभी यात्रियों से अनोखी घटनाओं के बारे में पूछती रहती है। फिर कबूतर की बातें सुनकर जितेंद्र प्रताप कहने लगा कि ठीक है। उसके कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई और वह सो गया। इस पूरे दृश्य को कोने में छिपकर खड़ी हुई रानी की वह दासी देखती रही, क्योंकि उसने ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं देखी थी। और फिर इसी तरह से पूरी रात बीत गई। उस रात इसके बाद और कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जब सुबह हुई तब जितेंद्र प्रताप उस पलंग से उठा और फिर से उसने उसी पहले वाले कुंड में छलांग लगाई और अब फिर से उसने एक काले घोड़े का रूप धारण करके उस कुंड से बाहर आ गया। फिर उस कुंड से बाहर निकलकर वह घोड़ा बहुत तेजी से पाताल लोक से बाहर निकला, लेकिन वह घोड़ा पता नहीं कहां चला गया। रानी की उस दासी को बिल्कुल भी पता नहीं चला। फिर उसके बाद पिछली रात जिस तरह से सब कुछ वैसे ही दूसरी रात में भी हुआ, लेकिन जब वह गाय तेजी से ऊपर जाने लगी तो उस गाय को ऊपर जाते हुए देखकर रानी की वह दासी सोचने लगी कि अब मेरा इस गाय के साथ इस जगह से ऊपर चले जाने में ही सबसे बड़ी समझदारी है, नहीं तो मेरे ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी। इतना सोचकर उस दासी ने उस गाय की पूंछ पकड़ ली और उस गाय के साथ पाताल लोक से बाहर निकल आई। लेकिन जब वह दासी मैदान पर पहुंची तभी अचानक से उस सुरंग का द्वार अपने आप ही बंद हो गया।
और उसके मुख पर रखा हुआ वह पत्थर भी पहले की तरह हो गया। फिर वह गाय पाताल लोक से ऊपर आकर एक वन में चली गई और उधर वह दासी प्रसन्न होकर पाताल लोक में घटित सभी घटनाओं को बताने के लिए व्याकुल होने लगती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र। फिर उसे अचानक से याद आता है कि दूसरे नगर में कोई स्त्री है जो भोजनालय चलाती है और जो भी व्यक्ति उसे कोई भी नई बात बताता है तो वह उसे मुफ्त में भोजन खिलाती है। और वह सोचने लगी कि क्यों न मैं उस स्त्री के पास जाकर उसे उस पाताल लोक में घटित पूरी घटना का वृतांत सुना दूं, और यदि उसे यह बात अच्छी लगी तो मेरे खाने पीने की व्यवस्था की दिक्कत भी दूर हो जाएगी। इतना सोचकर रानी की वह दासी तुरंत ढोल नगाड़े अपने कंधों पर लाद कर बजाती हुई उस रानी के भोजनालय के द्वार पर पहुंच जाती है और ढोल नगाड़े को इस तरह से बजा रही थी जिससे सभी व्यक्तियों का ध्यान उस पर केंद्रित हो सके। और जब ढोल नगाड़ों की आवाज उस भोजनालय की मालकिन यानी कि छोटी रानी सुनती है तो वे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्नता से अपने मन में सोचने लगती हैं कि शायद किसी ने मुझे बताने के लिए कोई बड़ी बात लेकर आया है। फिर रानी अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहती है कि जाओ और ये जो ढोल नगाड़े बजा रहा है उसे बड़े सम्मान के साथ मेरे पास ले आओ। रानी का आदेश पाकर वे सैनिक दौड़ते हुए ढोल नगाड़े बजाने वाले के पास पहुंच जाते हैं तो वे देखते हैं कि एक सुंदर सी स्त्री अपने कंधों पर लाद कर ढोल बजा रही है। तब उन सैनिकों ने उस दासी से पूछा कि क्या हुआ, तुम इस तरह से ढोल क्यों बजा रही हो? फिर वह दासी कहने लगी कि कुछ नहीं, यहां मुफ्त में भोजन मिलता है इसलिए मैं यहां आई हूं और मैं आपको नई बात भी बताना चाहती हूं। उस दासी की बात सुनकर वे सैनिक उसे भोजनालय के अंदर ले जाते हैं और उसके सामने एक बड़ी सी थाली रख देते हैं। उसमें अनेक प्रकार के व्यंजन परोस देते हैं। वह जल्दी जल्दी से भोजन करने लगती है क्योंकि उसने कई दिनों से थोड़ा सा भी भोजन नहीं करा था। और जब वह दासी भोजन कर लेती है तो रानी के वे सैनिक उसे नई साड़ी पहनने के लिए दे देते हैं। फिर उस दासी को रानी के पास ले जाते हैं। उसको एक बार में ही देखकर रानी और वह दासी दोनों देखकर तुरंत ही पहचान लेते हैं। और फिर रानी उस दासी से कहने लगती है कि अरे बहन, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या तुम ही ढोल नगाड़े बजा रही थी और तुमने क्या नई बात देखी है? रानी की बात सुनकर वह दासी रानी से कहती हैं कि हे रानी साहिबा, मैं ही ढोल नगाड़े बजा रही थी और मैंने राजा जितेंद्र प्रताप को देखा है। फिर वह दासी पाताल लोक में घटित सभी घटनाओं को बता देती है। तब रानी कहने लगी कि बहन, मुझे उस जगह पर जाना है, मुझे उस जगह ले चलो। फिर उस दासी ने रानी को जवाब देते हुए कहा कि हे रानी साहिबा, वह पाताल लोक एक श्राप है और यदि किसी ने आपको वहां जाते हुए देख लिया तो आपके प्राण भी जा सकते हैं। लेकिन रानी उस दासी की एक भी बात नहीं सुनती है और अब वह बहुत जिद करने लगती है। इसीलिए बाद में वह दासी उसकी बात मान लेती है और रानी से कहने लगती है कि ठीक है, मैं आपको वहां अवश्य लेकर चलती हूं, लेकिन आज मैं उस जगह पर नहीं चलेंगे, कल चलेंगे। अब फिर दूसरे दिन रानी शाम होने का इंतजार था और जब शाम हुई रानी और वह दासी उसी जगह पर गई। फिर से उस गाय ने पत्थर पर सींग मारी और पत्थर हट गया तो सुरंग का रास्ता खुल गया। फिर रानी उस दासी से कहती हैं कि आगे का सब कुछ मैं खुद देख लूंगी। और रानी उस गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर रानी एक कोने में छिपकर खड़ी हो जाती है। फिर रानी के सामने भी वही सारी घटनाएं घटित होती हैं। उस गाय का दूध कोई अदृश्य व्यक्ति निकालने लगता है। फिर काला घोड़ा वहां आकर कुंड में छलांग लगाता है और जितेंद्र प्रताप के रूप में कुंड से बाहर निकलता है। फिर उसके सामने कई तरह के पकवान बनाकर आ जाते हैं। वह उस भोजन को खाने लगता है और बगल में पड़े हुए पलंग पर बैठ जाता है। लेकिन सोने से पहले सूर्यदेव का लेते हुए उस पलंग पर बैठकर उस सामने बैठे हुए कबूतर से पूछने लगता है कि मेरे माता पिता इस समय क्या कर रहे हैं। लेकिन कबूतर ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उदास हो गया। कबूतर को उदास देखकर जितेंद्र प्रताप को कुछ अनहोनी का संदेह हुआ। उसने एक बार फिर से यही प्रश्न पूछा लेकिन कबूतर ने इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर जितेंद्र प्रताप कुछ सोचते हुए ही बिस्तर पर लेट जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी,
अपने पति की यह दशा देखकर अब रानी का संयम टूट जाता है और वह दौड़कर अपने पति के पास जाकर उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। तब जितेंद्र प्रताप तुरंत ही अपनी पत्नी को पहचान लेता है और अपने पैर पीछे करते हुए बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे मत छूना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। फिर रानी जितेंद्र प्रताप के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे अपनी गलती की माफी मांगने लगती है और कहती हैं कि हे नाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात में कहां जाते हैं। मैं अपनी भूल को स्वीकार करती हूं और मुझे मेरी भूल की सजा भी मिल चुकी है। अब आप मेरे साथ महल चलिए। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है, वे बहुत ही दुबले पतले हो गए हैं और आपकी प्रजा भी संकट में है। तब जितेंद्र प्रताप कहने लगा कि तुम एक बार तो गलती कर बैठी हो, किंतु दोबारा गलती मत करना, नहीं तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा। यह सुनकर रानी जोर जोर से जमीन पर सर पटकने लगती है और बहुत विलाप करने लगती है। रानी की यह दशा देखकर राजा जितेंद्र प्रताप के मन में रानी के प्रति दया आ जाती है। तब वह रानी से कहते हैं कि यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। वैसे यह कार्य बहुत ही जटिल है और यह कार्य तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। तब रानी ने बड़े आत्मविश्वास से अपने पति से कहा कि मैं आपको पाने के लिए कितना भी जटिल कार्य करना पड़े, मैं अवश्य कर लूंगी। तब राजा जितेंद्र प्रताप ने कहा कि इस पाताल लोक से ऊपर जो घना वन दिखाई दे रहा है, उस वन के बीच में एक पीपल का वृक्ष है, उसके आसपास पड़े कूड़े कचरे को तुम्हें अपने हाथों से साफ करना है और उस पीपल के वृक्ष को साफ करके उसके ऊपर कुमकुम लगाकर दूध दही से बने चावल का भोग लगाना है। राजा आगे कहता है कि यह पूरा कार्य तुम्हें दोपहर के 12 बजे से पहले करना है और 12 बजते ही तुम्हें उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान सूर्यदेव के मंत्र का जाप करना है। उसी समय वहां पर भगवान सूर्यदेव का रथ पृथ्वी लोक पर उतरेगा, तो यह सारा दृश्य देखकर जब वे प्रसन्न हो जाएंगे और कहेंगे कि जिसने भी यह सारा कार्य किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, वह कहे मांगो जो कुछ भी वरदान चाहते हो, तब तुम उनके सामने आकर खड़ी हो जाना और उनको प्रणाम करती हुई उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, जिससे मैं तुम्हें पुनः मिल जाऊंगा। इतना कहकर जितेंद्र प्रताप अपने उस पलंग पर सो जाता है। फिर रानी सुबह होने का इंतजार करने लगती है और जैसे ही सुबह होती है, रानी उस गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक से बाहर आ जाती है। वहां से बाहर आने के बाद रानी देखती है कि वह दासी अभी भी उसके इंतजार में बैठी हुई है, तो रानी उसे धन्यवाद देती है और उससे कहती है कि बहन, मैं आगे जाऊंगी, तुम वापस भोजनालय चली जाओ। फिर रानी जितेंद्र प्रताप के कहे अनुसार उस वन के अंदर चली जाती है और उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंचकर उसके नीचे अच्छी तरह से साफ सफाई करती है। उसके नीचे धूप दीप अगरबत्ती दूध दही सब कुछ चढ़ा देती है और भगवान सूर्यदेव का स्मरण करते हुए 12 बजने का इंतजार करने लगती है। फिर जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं, तब भगवान सूर्यदेव उस पीपल के वृक्ष के नीचे अपने रथ से उतर जाते हैं और उस पीपल के वृक्ष के नीचे इतनी साफ सफाई सुगंधित वातावरण देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जिसने भी यह कार्य किया है मैं उसे उसका मनचाहा वरदान देना चाहता हूं। वह मांगे जो कुछ भी उसे चाहिए, मैं उसे अवश्य दूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र। जब रानी ने इन शब्दों को सुना तो वह तेजी से दौड़ती हुई भगवान सूर्यदेव के सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगी, हे भगवान सूर्यदेव, मैं ही हूं जिसने यह सारा कार्य किया है और मुझे वरदान में आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। तब भगवान सूर्यदेव बोले कि नहीं नहीं पुत्री, मैं तुम्हें यह घोड़ा नहीं दे सकता हूं। तुम बाकी के 12 घोड़ों में किसी भी घोड़े को मांग लो, लेकिन दाहिने घोड़े को मत मांगो, मैं तुम्हें वह घोड़ा नहीं दे सकता हूं। लेकिन रानी भगवान सूर्यदेव की एक बात नहीं मानती है और उनसे दाहिना घोड़ा मांगने की जिद करने लगी थी और उनके पैरों को पकड़कर कहने लगी कि बिना दाहिना घोड़ा दिए मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगी। अब भगवान सूर्यदेव बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने रानी को वचन दे दिया था। अब वे अपने वचन को गलत साबित नहीं होने दे सकते थे। फिर अपनी हार स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है,
मैं तुम्हें यह घोड़ा तो दे रहा हूं, लेकिन तुमको मैं बता दूं कि यह घोड़ा तुमको यहां नहीं मिलेगा, बल्कि उसी पाताल लोक से लाना पड़ेगा। इतना कहकर भगवान सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कर देते हैं। और इधर जब रानी उस वन से बाहर आकर उसी स्थान पर पहुंच जाती है, और शाम होते ही रानी उस गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक में पहुंच जाती है, और फिर वही पहले की तरह सारी घटनाएं घटने लगती हैं। फिर जितेंद्र प्रताप उस पलंग पर बैठ जाता है और हमेशा की तरह सोने से पहले अपने सामने बैठे हुए कबूतर से पूछने लगता है कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। तब उस कबूतर ने जवाब देते हुए कहा कि आपके माता पिता आपके शोक में मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए हैं। यह सुनकर उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। फिर जितेंद्र प्रताप उस कबूतर से पूछने लगता है कि मेरे राज्य को कौन चला रहा है। तब उस कबूतर ने कहा कि आपके राज्य को आपका महामंत्री चलाता है, और वह आपके राज्य का सब कुछ हड़प चुका है। वह आपकी प्रजा पर बहुत अत्याचार भी करता है। यह सुनकर जितेंद्र प्रताप को बहुत गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में आकर ही उस कबूतर से पूछने लगते हैं कि मेरी पत्नी कहाँ है और क्या कर रही है। तब वह कबूतर कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अब अपने पति की यह दशा देखकर रानी का संयम जवाब दे देता है, और वह दौड़कर अपने पति के गले लग जाती है। तब जितेंद्र प्रताप रानी से कहता है कि हे प्रिय, अब मैं तुमको मिल चुका हूं, और मैं अब कभी भी घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने मुझे पाने के लिए इतने सारे कष्ट उठाए हैं, इसीलिए भगवान सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े की योनि से मुक्त कर दिया है। उसके कुछ देर के बाद सुबह हो गई, गाय की रस्सी टूट करके पृथ्वी लोक पर जाने लगी। रानी और राजा जितेंद्र प्रताप उस गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने पर वे दोनों सीधे भोजनालय में पहुंच जाते हैं। भोजनालय का सारा सामान वहां के लोगों में बांट देते हैं और वापस अपने नगर आ जाते हैं। जितेंद्र प्रताप को वापस आता हुआ देखकर महामंत्री बहुत ही भयभीत हो जाता है। फिर राजमहल पहुंचकर उस कपटी महामंत्री को बंदी बनाकर कारागार में कैद कर देता है और राज्य का कार्यभार अपने हाथों में ले लेता है। और इसके बाद वह अपने माता पिता से मिलने के लिए उनके कक्ष में प्रवेश करता है, तो वह उनकी दशा देखकर बहुत दुखी हो जाता है। उसके माता पिता मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए थे, लेकिन अपने पुत्र को देखकर उन दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, और विलाप करते हुए उसे अपने गले से लगाकर बड़े प्यार से सहलाने लगते हैं। इसके बाद उसके माता पिता की सेहत में बहुत सुधार आ जाता है, और वे दोनों अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हैं और जितेंद्र प्रताप के मिलने की खबर पूरे नगर में फैला देते हैं। यह सुनकर उस नगर के सभी व्यक्ति बहुत खुश हो जाते हैं। तब वह जितेंद्र प्रताप उस नगर के सभी व्यक्ति को दर्शन देकर उन सभी से कहने लगता है कि मैं वादा करता हूं कि आज से उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं पहुंचेगा। इतना कहकर वह जितेंद्र प्रताप अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाता है और एक अच्छा राजा बनकर अपने राज्य को चलाने लगता है। अब जितेंद्र प्रताप अपनी पत्नी और अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वाह करने लगता है, और उस दासी को अपने राजमहल का आधा हिस्सा दे देती है। फिर उसका भी विवाह करा देती है, जिससे उसका भी जीवन सुखपूर्वक से बीतने लगता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, मैं अब तुमको बता देता हूं कि अपनी पत्नी को किन तीन बातों को नहीं बताना चाहिए। इसे ध्यान से सुनना। पहली बात, अपने पत्नी को परिवार के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, अपनी गुप्त बातों को कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पचती है। तीसरी बात, जिस बात को बताने पर आपके प्राण जाने की आशंका हो, तो उस बात को बताने पर आपके माता पिता को कष्ट हो, तो ऐसी बातों को कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस ज्ञान का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में अवश्य करूंगा,
मित्रों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना मत भूले। नमो वास्तु।